कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 साइज अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स के लिखिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वन वेरिएबल के साथ। इन्होंने कहा एन इंटरेस्टिंग पजल, एक इंटरेस्टिंग पजल है जिसका आंसर फातिमा ने दिया। लिखता है मुक्ता मैम, मुक्ता मैम है, उन्होंने क्या काम किया? टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ मार्बल, उन्होंने एक हाथ को भर के मार्बल्स निकाले एक बैग में से। एंड पुट देम इन टू अनदर बैग, और उन्होंने उसे दूसरे बैग में डाल दिए। एंड क्लेम डैट द बैग एंड सैड टू द चिल्ड्रन दैट कैन एनी वन फॉर्म यू टेल दैट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल विदाउट ओपनिंग द नॉट एंड विदाउट ट्रेनिंग्स दिस बैग। यानी क्या बोलते हैं, मुक्ता मैम ने एक थैले में से मार्बल्स को निकाला, दूसरे थैले में डाल दिया और कहा कि अब क्या कोई इसमें से एग्जैक्ट नंबर बता सकता है कि कितने मार्बल्स हैं कितने नहीं, बिना गिने बिना इसे टच करें। तो फातिमा ने पता है क्या किया, फातिमा ने एक मार्बल उस बैग में से निकाला, उसका वजन किया जिसे पता चला कि 15 ग्राम है। ठीक है, तो उसने क्या काम करा, अब पूरे थैले का वजन करा जो कि 330 ग्राम निकला। उसने कहा मैम मैं बताऊँ इसका आंसर, तो सारे बच्चे बोले कैसी, ये कैसे बता सकती है। मैम ने कहा ठीक है बताइए आप। उसने कहा मैम अगर मैं मान लूँ कि एक बैग जो है, एक जो कंचा है जिसका वजन हमने पूरा सॉरी जो एक पूरा बैग है मार्बल से भरा, वो के है, क्या है के, ठीक है, उस के में एक कंचा जो है वो 15 का है, अभी हमने पढ़ा 15 ग्राम का एक है, तो हम इसे 15 के कर देते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो है इसका टोटल वेट जो निकला है वो कितना निकला है, 330। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 के जो है वो 330 के बराबर, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22, यानी कि उसके अंदर 22 कंचे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, वी से द पैन इज द सिंबल ऑफ द इक्वलिटी, यानी कि जो है ये सिंबल ऑफ इक्वलिटी है, बराबर समानता का निशान है ये। ठीक है, वी विल डू द ऑपरेटिंग ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑन द बोथ साइड, हैव शेविंग इक्वल अमाउंट और द सेम नंबर। तो वही कहते हैं कि जब हम भी कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें भी सेम पैन की तरह दोनों तरफ को बराबर करना होता है, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे गुणा करें, चाहे डिवाइड करें, कुछ भी करें। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिया गया, इसे आप लोग खुद से पढ़ के करेंगे, और ये देखिए आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है वी ऑब्जर्व, हमने देखा फ्रॉम अबव एग्जांपल, ऊपर के एग्जांपल्स में कि वी कैन कन्वर्ट इनटू वन साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी एक साइड को हम लेफ्ट साइड को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की फॉर्म में, और दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड जो है हम सारे नंबर ले जाते हैं, और उसके बाद जो नंबर प्रेजेंट होते हैं उसमें साइन लगा के, साइन क्या होता है उसका चेंज हो जाता है, अगर सब्ट्रैक्ट है तो वो प्लस हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर निकल जाता है। यहाँ लेट्स डू में आपको दिया भी गया है ये तीन आपको, चलिए तो इसका आंसर हम लोग आंसर शीट पे देख के वीडियो फिनिश करते हैं। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे वाई माइनस सेवन था और इज इक्वल टू में 27, इधर माइनस में था इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 34। ऐसे देखिए यहाँ आपको जो दिया गया है ये है आपका 7/2L इज इक्वल टू 2/7। अब ये L इधर रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये इधर घूम जाएंगे। ठीक है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2 2 4 और 7 7 हो जाएगा 49। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक बार 9U है, एक बार 2/7U है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, यू बाहर आ जाएगा। अब ये हम जब इधर ले जाएंगे अपोजिट तरफ तो क्या हो जाएगा, इसे पहले सॉल्व कर लीजिए एलसीएम के थ्रू, इसके बाद अब जब इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो अब इसे उल्टा कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। चाहे तो आज की वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, आज की वर्कशीट बस इतने। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।